गुड इवनिंग आप सभी को बीटा कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूँ। बायोलॉजी सीरीज 5 जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टॉपिक है आज कोशिका। इससे पहले वाला क्लास में भी हम लोग कोशिका से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे, आज भी कोशिका से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आप सभी अंत तक बने रहेंगे, जो लोग जुड़े सभी लोग अंत तक बने रहें, जो लोग नए हैं क्लास सब्सक्राइब करें, लिंक शेयर करें, बाकी लोग लाइक और शेयर करें, सभी लोग लिंक शेयर करें और लाइक करें, क्लास को लाइक करें और शेयर करें। जो लोग SSC रेलवे BPSC दरोगा एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप सभी ज़रूर ध्यान से क्लास को फॉलो करें, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है ये। सुबह में डेली आपके लिए 6 बजे डेली करेंट अफेयर सीरीज, शाम के 7 बजे स्पेशल बायोलॉजी सीरीज। इसके अलावा आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में स्पेशल पॉलिटी सीरीज, स्पेशल ज्योग्राफी सीरीज मिलेगा, आप सभी उसे देखकर अपने तैयारी को रिकॉल कर सकते हैं, इसलिए ज़रूर आप सभी क्लास को फॉलो करते रहें। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को क्लास काफ़ी अच्छा से समझ में आ रहा होगा और सभी लोग आंसर करने के लिए रेडी होंगे। तो आइए आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका आंसर करना शुरू करें आप सभी। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, आंसर करें आप सभी लोग। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, इसका आंसर करें आप सभी लोग। 1 नंबर ऑप्शन है राइबोसोम, 2nd है लाइसोसोम, 3rd है तारक काय और 4th है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका में प्रोटीन का निर्माण होता है कहाँ पर, आप लोग आंसर करें। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो ध्यान रहे कि कोशिका में प्रोटीन का निर्माण जो है वो आपका राइबोसोम पे होता है, तो इसका आंसर राइबोसोम होगा। राइबोसोम को ही प्रोटीन निर्माण का फैक्ट्री कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना है। राइबोसोम की अगर बात करें तो राइबोसोम RNA प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है और प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री राइबोसोम को ही कहा जाता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, आंसर करें आप सभी। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 है राइबोसोम, 2nd है लाइसोसोम, 3rd है तारक काय और 4th इनमें से कोई नहीं। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, इसका आंसर करें आप सभी लोग। सभी लोग इसका आंसर करें, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, यानी कि 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, ध्यान रखना है, या लाइसोसोम को ही लयन काय भी कहा जाता है, हिंदी में लाइसोसोम को लयन काय कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया, लाइसोसोम की खोज किसने किया, इसका आंसर करें। 1 नंबर ऑप्शन है स्लाइडेन एवं स्वाम, 2nd है रॉबर्ट हुक, 3rd है ग्रेगर जॉन मेंडल और 4th है डी डूबे। तो लाइसोसोम की खोज किसने किया, इसका आंसर आप सभी लोग करें। सभी लोग इसका आंसर करें कि लाइसोसोम की खोज किसने किया, तो ध्यान रखेंगे लाइसोसोम की खोज जो है वो डी डूबे ने किया है, ध्यान रखना है। डी डूबे ने लाइसोसोम की खोज किया है और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। जो लोग लाइव चैट में जुड़े हैं मैं बार बार कहता हूँ कि आप सभी आंसर करें, सभी लोग आंसर करते रहें, आंसर करने में पीछे नहीं रहना है इसमें, बल्कि आगे रहने की कोशिश करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लवक पाए जाते हैं,
लवक पाए जाते हैं कौन से कोशिका में, इसका आंसर करें आप सभी। लवक पाए जाते हैं, एक नंबर है पादप कोशिका, सेकंड है जंतु कोशिका, थर्ड ए प्लस बी और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो लवक पाए जाते हैं, इसका आंसर करें आप सभी लोग। सभी लोग आंसर करें कि लवक पाए जाते हैं कौन सी कोशिका में। तो ध्यान रहे कि लवक जो है वो मुख्य रूप से पादप कोशिका में ही पाया जाता है, यानी कि प्लांट सेल में ही लवक पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है लवक जो है वो पादप कोशिका में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसे इंग्लिश में लवक को प्लास्टिड्स बोलते हैं, ध्यान रखना है। प्लास्टिस्ट जो है वो प्लास्टिड्स पाए जाते हैं किसमें, तो पादप सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लवक फूलों एवं फलों में आकर्षक रंग प्रदान करते हैं, इसका आंसर करें। ध्यान रखेंगे लवक तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है अवर्णी लवक, दूसरा होता है वर्णी लवक और तीसरा होता है हरित लवक, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लेरोप्लास्ट। तो कौन से लवक फूल और फल को आकर्षक रंग प्रदान करता है, इसका आंसर करें आप सभी लोग। आकर्षक रंग कौन सा लवक प्रदान करता है, तो ध्यान रहे कि ऑप्शन है आपका एक नंबर वर्णी, सेकंड है अवर्णी और थर्ड है हरित। तो ध्यान रहे कि वर्णी लवक जो है वो फूलों फलों एवं बीजों में जो है वो आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। ध्यान रखिएगा, आकर्षक रंग प्रदान करने के लिए कौन सा लवक जिम्मेवार है, तो वर्णी लवक, यानी कि इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा। वर्णी लवक के वजह से, यानी कि वर्णी लवक के वजह से इसमें जो देखते हैं कि जो भी फल होते हैं या फूल होते हैं उसका कलर जो है काफ़ी आकर्षक होता है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि वर्णी लवक के वजह से फूलों एवं फलों का रंग आकर्षक होता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, कौन सा लवक पौधों में खाद्य पदार्थ का संचय करता है, कौन सा लवक जो है वो खाद्य पदार्थों का संचय करता है, आप लोग आंसर करेंगे। एक नंबर ऑप्शन है वर्णी, सेकंड है अवर्णी, थर्ड है हरित और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो कौन से लवक पौधों में खाद्य पदार्थ का संचय करता है, इसका आंसर करें आप सभी लोग। सभी लोग इसका आंसर करें कि कौन सा लवक पौधों में खाद्य पदार्थ का संचय करता है। सभी लोग आंसर करें जितने लोग लाइव चैट में जुड़े हैं, सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रहे कि खाद्य पदार्थ के संचय के लिए जो है वो अवर्णी लवक जिम्मेवार है, यानी कि इसका आंसर बी नंबर होगा। तो वर्णी लवक रंग प्रदान करता है और अवर्णी लवक जो है वो खाद्य पदार्थ का संचय करता है, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे, वर्णी लवक और अवर्णी लवक को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लवक पत्तियों में हरा रंग प्रदान करता है, कौन सा लवक जो है वो पत्तियों में हरा रंग प्रदान करता है। ऑप्शन है वही वर्णी लवक, सेकंड है अवर्णी, थर्ड है हरित और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। सभी लोग इसका आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें, कौन सा लवक पत्तियों में हरा रंग प्रदान करता है। तो ध्यान रखेंगे कि हरित लवक जो है वो पत्तियों में हरा रंग प्रदान करता है। तो ध्यान रखेंगे लवक तीन प्रकार के होते हैं, सबसे पहले तो लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लवक तीन प्रकार के होते हैं, वर्णी, अवर्णी और हरित। वर्णी लवक रंग प्रदान करते हैं, अवर्णी लवक खाद्य पदार्थों का संचय करते हैं और हरित लवक जो है वो पत्तियों में हरा रंग प्रदान करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका तीनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप जो है वो तैयारी करें, कॉन्सेप्ट बनाएं,
देखिएगा नतीजा काफ़ी बेहतर होगा। इसके लिए आपको जो है सबसे पहले ध्यान से क्लास को फॉलो करना होगा, समय से फॉलो करना होगा, अंत तक बने रहना होगा, तभी पॉसिबल है। नहीं तो आप आकर अपना अटेंडेंस लगाकर चले जाएंगे तो उससे आपको कुछ खास फ़ायदा होने वाला नहीं है। कुछ लोग सोचेंगे कि बाद में हम देख लेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे तो एक अभी आप जो है लाइव चैट में आंसर करें और एक बाद में देखें, दोनों में अंतर होगा। आप यहाँ पर माइंड का अपना माइंड को ओपन करके बैठें, आंसर करें, देखिएगा माइंड में ज़्यादा जाएगा, आप बेहतर तरीक़ा से सीखेंगे। इसलिए लाइव चैट में आप आंसर ज़रूर करें और कोशिश करें कि जब हम यहाँ पर समय दे रहे हैं हाफ एन आवर, तो इससे आउटपुट ले सकें। आपको आउटपुट की ज़रूरत है, अगर आप आउटपुट नहीं लेते हैं तो आपको फिर जो है कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। जब आप समय दे रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा होना चाहिए। माना है कि आप जो है कोई जॉब करने जाएंगे तो जॉब करेंगे तो वहाँ पर समय देंगे तो आपको तो पैसा मिलेगा, तभी तो जॉब करेंगे, अन्यथा आपको वहाँ पर सैलरी नहीं मिलेगा तो आप वहाँ पर जॉब करेंगे नहीं करेंगे। तो इस तरह से जब आप क्लास कर रहे हैं तो इससे आपको आउटपुट मिलना चाहिए। अगर आउटपुट नहीं मिल रहा है तो फिर जो है पढ़ने से कोई प्रॉफिट नहीं है, आप क्लास छोड़कर जा सकते हैं, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। तो लेकिन इसके लिए सबसे पहले कोशिश करना है कि अपने आप को आप बदलें। आपके अगर बात कहें तो आपके बीते हुए कल को आप नहीं बदल सकते। मान रहे हैं कि कल तक जो मेरा समय था उसको तो नहीं आप बदल सकते हैं, लेकिन आपके आने वाला कल जो है आप उसको और बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप आज चाह लेंगे ना तो आने वाला कल जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो आपके बीते हुए कल को आप नहीं बदल सकते, लेकिन आपके आने वाला कल को आप और बेहतर बना सकते हैं। तो आपको बनाना है, आपको तय करना है, आप चाहेंगे तो समय को सही से यूटिलाइज करके आगे काफ़ी बेहतर बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आप सभी ये लाइन को समझे होंगे और आगे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाइकोपेन पाया जाता है। लाइकोपेन किस में पाया जाता है? ऑप्शन है एक नंबर टमाटर में, सेकेंड है चुकंदर में, थर्ड है गाजर में और फोर्थ है हल्दी में। तो लाइकोपेन किस में पाया जाता है? ध्यान रखेंगे, लाइकोपेन एक वर्मी लवक है और ये किस में पाया जाता है? क्योंकि अभी हम लोग देखें कि वर्मी लवक खाद्य पदार्थों का संचय करता है, तो लाइकोपेन पाया जाता है किस में? आप लोग आंसर करें, सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे लाइकोपेन जो है वो टमाटर में पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे लाइकोपेन क्या है, तो यह एक वर्मी लवक है और यह वर्मी लवक टमाटर में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा टमाटर में खाद्य पदार्थ का जो संचय करता है वो लाइकोपेन करता है, क्योंकि यह एक वर्मी लवक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन पाया जाता है किस में? सभी लोग आंसर करें, कैरोटीन ऑप्शन नंबर 1 है टमाटर में, सेकेंड है चुकंदर में, थर्ड है गाजर में और फोर्थ है हल्दी में। तो कैरोटीन किस में पाया जाता है? आप लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें, कैरोटीन किस में पाया जाता है? जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग लाइव चैट में आंसर करें, कैरोटीन पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, यानी कि कैरोटीन एक प्रकार के जो है वो वर्मी लवक है, एक प्रकार के वर्मी लवक है, ध्यान रखेंगे। और यह पाया जाता है किस में? तो गाजर में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्रूकमीन पाया जाता है। क्रूकमीन पाया जाता है किस में? क्रूकमीन यह एक वर्मी लवक है और यह किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है टमाटर में, सेकेंड है चुकंदर में, थर्ड है गाजर में और फोर्थ है हल्दी में। तो क्रूकमीन किस में पाया जाता है? आप लोग आंसर करें, क्रूकमीन। तो ध्यान रहे कि हल्दी में क्रूकमीन पाया जाता है, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। हल्दी में क्रूकमीन नामक वर्मी लवक पाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्रूकमीन कौन सी लवक है, वो यह एक वर्मी लवक है। क्रूकमीन क्या करता है? तो खाद्य पदार्थों का जो है, जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसके फलों फूलों में जो है रंग प्रदान करते हैं। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो क्रूकमीन किस में? हल्दी में, जिसके वजह से हल्दी जो है वो पीला होता है।
तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बीटानिन पाया जाता है किसमें, सभी लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है टमाटर में, सेकंड है चुकंदर में, थर्ड है गाजर में और फोर्थ है हल्दी में। तो बीटानिन पाया जाता है, आप लोग आंसर करें बीटानिन। अभी हम लोग देखें टमाटर में जो है वो लाइकोपेन पाया जाता है, लाइकोपेन की वजह से टमाटर जो है लाल होता है। उसके बाद हम लोग देखें हल्दी में क्रुकमिन की वजह से हल्दी पीला होता है। गाजर में कैरोटीन की वजह से गाजर जो है वो देखते हैं कि गुलाबी या लाल होता है। इसी तरह से जो है वो आपका चुकंदर में जो है वो बीटानिन पाया जाता है, ध्यान रखेंगे बीटानिन के वजह से उसका रंग जो है आकर्षक होता है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि बीटानिन कौन सा लवक है, तो बीटानिन एक वर्णी लवक है और यह पाया जाता है चुकंदर में। चुकंदर में आकर्षक रंग प्रदान करने के लिए बीटानिन जिम्मेवार है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिक्तियां पाई जाती है कौन से कोशिका में, आंसर करें सभी लोग। रिक्तियां या इसी को बोला जाता है रसधानी, तो रसधानी या रिक्तिका पाई जाती है कौन से कोशिका में। ऑप्शन नंबर एक है पादप कोशिका, सेकेंड है जंतु कोशिका, थर्ड है A+B और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो रिक्तिका पाई जाती है कौन सी कोशिका में, आप लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि रिक्तिका जो है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका यानी कि प्लांट टिश्यू में, प्लांट सेल में पाई जाती है, ध्यान रखना है। रिक्तिका जो है पादप सेल में पाई जाती है। रिक्तिका में क्या होता है कि इसमें जल भरा होता है, और अगर जल भरे होने के कारण ही जो है ये टाइट खड़े होते हैं। जैसे ही इसमें से जल की कमी होती है तो देखिएगा कि पौधे जो है वो सिकुड़ जाती है, रिक्तिका सिकुड़ जाती है तो पौधे मुरझा जाती है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि रिक्तिका पाई जाती है किसमें, तो पादप सेल में पाई जाती है, और इसी के वजह से जो है पेड़ पौधा मुरझाते नहीं है। अगर इसमें जल जो है वो सूख जाए तो पेड़ पौधा मुरझा जाते हैं, वो ध्यान रखेंगे ये सारे पॉइंट को आप। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, आंसर करें आप सभी लोग। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, सभी लोग आंसर करें। प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, सभी लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है राइबोसोम, सेकेंड है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है लाइसोसोम और नेक्स्ट है A+B। तो प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, आप सभी इसका आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। गलतियों से डरना नहीं है, ध्यान रहे अपने लक्ष्य पे टिके रहना है। आप अपनी असफलता और सफलता पर ध्यान मत दें, अपना लक्ष्य निर्धारित और उसे पूरा करने में लग जाएं। तो आप अपने लक्ष्य को देखें, बाकी के जो बीच में असफलता आ रही है और क्या सफलता आ रही है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको अपने लक्ष्य को देखना है। आप अपने लक्ष्य को देखिए, देखिएगा आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो भी बीच में असफलताएं आती हैं उसी में आपको उलझकर नहीं रहना है, बल्कि उससे आपको आगे निकलना है, तभी आप अपने सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री जो है वो राइबोसोम को कहा जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर, राइबोसोम या राइबोसोम को ही प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राइबोसोम की खोज किसने किया था, आंसर करें आप सभी लोग। राइबोसोम की खोज किसने किया था, आप लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है पैलेट, सेकेंड है अल्टमैन, थर्ड है रॉबर्ट होक और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो राइबोसोम की खोज किसने किया, इसका आंसर करें आप सभी लोग। राइबोसोम की खोज किसने किया, तो ध्यान रहे कि राइबोसोम या राइबोसोम की खोज जो है वो पैलेट ने किया है, ध्यान रखेंगे। एक नंबर इसका आंसर होगा, राइबोसोम की खोज किसने किया, तो पैलेट ने राइबोसोम की खोज किया है, आपको ध्यान रखना है। राइबोसोम को ही प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि राइबोसोम की खोज कब हुआ था, यानी कि अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखिए, राइबोसोम की खोज पैलेट ने किया था तो कब किया था,
ऑप्शन है 1945, नेक्स्ट है 1953, नेक्स्ट है 1853 और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो राइबोसोम की खोज कब हुआ, सभी लोग इसका आंसर करें। जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें कि राइबोसोम की खोज कब हुआ। तो ध्यान रहे कि राइबोसोम की खोज 1953 में पैलेट ने किया था। ध्यान रखेंगे 1953 में पैलेट ने राइबोसोम या राइबोसोम की खोज किया था। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। तो राइबोसोम की खोज पैलेट ने कब, 1953 में। राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राइबोसोम लगे होते हैं अंतः द्रव जालिका पे, मतलब कि राइबोसोम जो है वो लगे होते हैं कौन से अंतः द्रव जालिका पर, आप लोग को आंसर करना है। सभी लोग आंसर करें, राइबोसोम लगे होते हैं कौन से जालिका पर, आपको आंसर करना है। सभी लोग आंसर करें। एक नंबर ऑप्शन है चिकनी अंतः द्रव जालिका, सेकेंड है खुरदरी अंतः द्रव जालिका और थर्ड है दोनों पर और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो राइबोसोम लगे होते हैं अंतः द्रव जालिका पर, इसका आंसर करें आप सभी लोग। सभी लोग आंसर करें। अंतः द्रव जालिका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंतः द्रव जालिका यह केंद्रक के आदेशों को कोशिका कला तक पहुंचाती है। जो केंद्रक होता है इसके आदेशों को, जो कोशिका कला होता है यहाँ पर, इसको पहुंचाती है आपका जो है ये अंतः द्रव जालिका। तो इस तरह से कह रहा है कि अंतः द्रव जालिका पर, तो ध्यान रखेंगे राइबोसोम जो है वो खुरदरी अंतः द्रव जालिका पर होती है। मुख्य रूप से खुरदरी अंतः द्रव जालिका पर ही आपका राइबोसोम लगे होते हैं। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण जो है यही आपका राइबोसोम करता है। तो ध्यान रखेंगे राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक चिकनी अंतः द्रव जालिका और एक खुरदरी अंतः द्रव जालिका, और खुरदरी अंतः द्रव जालिका पर ही राइबोसोम लगे होते हैं। आप देख सकते हैं कोशिका के अंदर ऐसे रास्ता है आपका, और इसी पर देखिएगा कि जो है वो राइबोसोम इस तरह से जो है वो लगे होते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि जो है अंतः द्रव जालिका, खुरदरी अंतः द्रव जालिका पर ही राइबोसोम लगे रहते हैं। तो इस तरह से राइबोसोम पर जो है, सॉरी, अंतः द्रव जालिका पर राइबोसोम लगे होते हैं। तो इस तरह से आज आपके लिए कुल 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप सभी लोग इसे देखें, और जो लोग नहीं देखे हैं, जो आधा क्लास देखें वो लोग फिर से एक बार रिकॉल करें, और जो लोग फुल क्लास देखें वो भी एक दो बार इसे रिकॉल कर लें, ताकि फिर से एक बार आपका जो है वो अच्छा से समझ में आ जाए, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो आप सभी एक दो बार ज़रूर देखें, और जितने पीछे के वीडियो जा रहे हैं मैं बार बार कहता हूँ कि 2-4 वीडियो डेली देखें, ताकि आपका पूरा रिकॉल होते रहे, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप जितना पढ़ के जाएँ उतना ही में से जो है वो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। इसलिए आप सभी मेहनत करें, कठोर मेहनत करें, तभी जीत हासिल होगी, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप सभी जो है वो कठिन परिश्रम करें, देखिएगा नतीजा काफ़ी बेहतर होगा। तो इस प्रकार आज का क्लास समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम आएंगे आपके बीच। इस बीच आप सभी पीछे की वीडियो को रिकॉल करें और अपने तैयारी को बेहतर बनाएं। तो ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को गुड नाइट, सभी लोगों को गुड नाइट।